करोड़ों का फ्रॉड करके देश छोड़कर भाग चुका है वनराज शाह, घर पर गुंडों ने किया हमला। हाय एवरीवन, मैं हूं अभिलाषा। दोस्तों, अनुपमा सीरियल का अपकमिंग एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि अब अनुपमा की तबीयत ठीक हो गई है और वो डिस्चार्ज होकर वापस आशा भवन आ चुकी है। जैसे ही अनुपमा की जिंदगी में अनुज कपारिया और आद्या का प्यार लौट आया है, वैसे ही अनुपमा जी के नखरे शुरू हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा हॉस्पिटल से लौटते के साथ वो सब कुछ कर रही है जिसके लिए उसको खास करके अनुज कपाड़िया और आद्या मना कर रहे हैं, क्योंकि उसे सब पता है, सब जो भी अनुपमा करते वो बिल्कुल सही होता है, बाकी दूसरे तो ऐसे ही सब कुछ बस ऐसे टाइम पास कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू अनुपमा, और इसीलिए वो फिर से अनुज की सारी बातों को नज़रअंदाज कर रही है। खैर छोड़िए इन सब बातों को, अब बात करते हैं शाह परिवार में। शाह परिवार में आप देखेंगे कि अचानक से कुछ लोग आ जाते हैं और वो वनराज शाह के बारे में पूछते हैं। ऐसे में तोशु बहुत ही ज़्यादा अकर के साथ में उन लोगों से बात करता है, लेकिन तोशु की अकर वो लोग तुरंत में निकाल देते हैं, क्योंकि वो लोग जो आए हुए हैं वो वनराज शाह से पैसा वसूली करने के लिए आए हुए हैं और उन्होंने अपने हाथ में बंदूक ले रखा है। जैसे ही उन्होंने बंदूक निकाली, तोशु की सारी हेकड़ी निकल जाती है। उसके बाद वो पूछते हैं कि कहाँ है तेरा बाप, करोड़ों का फ्रॉड करके भाग चुका है। ये बात सुनकर बा कहती है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा फ्रॉड नहीं है। इस पर वो लोग सारी बातों का खुलासा करते हैं कि किस तरीके से वनराज शाह ने एक प्रोजेक्ट का झांसा देकर लोगों से करोड़ों रुपए लिए हैं और सबका पैसा लेकर भाग चुका है। दोस्तों, आपको ये न्यूज़ तो पता ही होगा कि सुधांशु पांडे, जो कि वनराज शाह का रोल प्ले कर रहे थे अनुपमा सीरियल में, उन्होंने अनुपमा शो छोड़ दिया है। यानी कि अभी अनुपमा सीरियल में वनराज शाह का किरदार निभाने वाला कोई भी एक्टर नहीं है और इसीलिए वनराज शाह को गायब कर दिया गया है। लेकिन वनराज शाह गायब हुआ है लोगों का करोड़ों रुपए का फ्रॉड करके, और ऐसे में अब पैसा वसूलने वाले घर तक पहुंच चुके हैं और घर पर आकर वो खूब बदतमीजी करते हैं, चीजों को तोड़ फोड़ मचाते हैं और खुलेआम बा को और तोशु को धमकी देकर जाते हैं कि जल्द से जल्द वनराज शाह को कहो कि मेरे पैसे वापस कर दे, वरना आज सिर्फ चीजों की तोड़फोर हुई है, अगली बार आऊंगा तो आप सबकी हड्डियां भी तोड़ूंगा। इस तरीके से वो धमका कर वहां से चले जाते हैं। जब इस तरह की धमकी तोशु को और पूरे परिवार को जब मिलती है, तब उन्हें समझ में आता है कि आखिर वनराज शाह कहाँ पर गायब है और वो क्यों नहीं घर लौट रहा है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि आद्या और अनुज कपारिया के लाख मना करने के बावजूद अनुपमा पहले जाती है बा से बात करने के लिए शाह परिवार में, उसके बाद वो जाती है मेघा से मिलने के लिए। बहुत मना करता है अनुज कपारिया, लेकिन वो नहीं सुनती है। फिर अनुज भी अनुपमा के साथ जाता है, जहां पर अनुपमा मेघा से बात करती है, लेकिन मेघा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उसे जरा भी अपनी गलती का एहसास नहीं है कि उसने अनुपमा के साथ क्या किया और आद्या को किस तरीके से बंदी बनाकर रखा हुआ था, बल्कि वो अनुपमा के ऊपर ही चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है कि तुमने मेरी बेटी मुझसे छीन ली है, मेरी प्रिया मुझसे छीन ली है। अनुपमा उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो आद्या है, हमारी बेटी है, आपकी प्रिया नहीं है, आपको अपनी बेटी ढूंढनी चाहिए, लेकिन मेघा उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में अनुपमा चिल्लाकर मेघा को कहती है कि आप कैसी माँ हैं, आपने किसी और की बेटी अपने घर में लाकर रख ली और अपनी बेटी को आपने ढूंढा तक नहीं, आपको पता भी है कि आपकी बेटी इस वक्त कहाँ होगी, किस हाल में होगी, आपने ना सिर्फ आद्या के साथ में बल्कि अपनी बेटी प्रिया के साथ में भी धोखा किया है। जब इस तरीके से अनुपमा मेघा को कहती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। तो दोस्तों, अपकमिंग एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो स्टे ट्यून। अगर आपको ये अपडेट पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसके आगे का अपडेट जानने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।